दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट स्पैम के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों व्हाट्सएप रिपोर्ट स्पैम क्या है और इसको क्यों व्हाट्सएप में लाया गया है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सानू है और आप देख रहे हैं SBS टैग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं रिपोर्ट स्पैम व्हाट्सएप ने क्यों बनाया है। दोस्तों जब से व्हाट्सएप फेसबुक के पास गया है तो उसमें रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यानी दोस्तों जो भी व्हाट्सएप पर स्पैम करने की कोशिश करेगा तो उसका नंबर बैन हो जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो दोस्तों ये इसी बेसिकली वजह से बनाया गया है और इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप पर कोई गंदे SMS करता है, कुछ भी वगैरह वगैरह करता है, तो आप उस पर रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट स्पैम करने के बाद दोस्तों वो बंदा आपके नंबर पर कभी SMS नहीं कर पाएगा और दूसरी बात दोस्तों उसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और दोस्तों उसके खाते में एक रिपोर्ट स्पैम चली जाएगी। दोस्तों रिपोर्ट स्पैम ज़्यादा होने के साथ साथ उस बंदे का व्हाट्सएप नंबर बैन व्हाट्सएप कर देगी और ये दोस्तों ग्रुप में भी इंक्लूडेड होता है। यानी दोस्तों आपका ग्रुप बनाया हुआ एडमिन जो होता है, अगर कोई बंदा ग्रुप में रहते हुए ग्रुप को स्पैम रिपोर्ट करता है तो दोस्तों वो जो है ग्रुप एडमिन के पास चली जाती है। यानी दोस्तों आपको कोई ज़बरदस्ती ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट स्पैम का बटन आपके पास होता है। आप रिपोर्ट स्पैम करके ग्रुप एडमिन के पास एक रिपोर्ट स्पैम भेज सकते हैं जिससे कि व्हाट्सएप सतर्क हो जाता है और उसे पता चल जाता है कौन कौन पर्सन आपके साथ या किसी और के साथ या उसके साथ दोस्तों स्पैम कर रहा है, तो उसके नंबर को बैन कर देती है। मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ये काफ़ी अच्छा फीचर बहुत पहले ला चुका है और शायद आने वाले समय में और भी स्ट्रिक्ट हो जाए और भी काफ़ी ऑप्शन ला सके। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और दोस्तों आपको रिपोर्ट स्पैम के बारे में और जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।